असलम टिल नाउ फ्राम द हमटॉलोलॉजी मेडिसिन वी हैव डिस्कस द आयरन डिफिशेंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द सिड्रो ब्लास्टिक अनीमिया अब सिड्रो प्लास्टिक अनीमिया जो है इसको हम सिड्रो क्यों कहते हैं क्योंकि वी हैव द ब्लास्ट्स हमें इसमें नज़र आते हैं अब सिड्रोब्लास्ट्स क्या होते हैं ये एक्चुअली हमारी क्या होती है आयरन डिपॉजिट्स होते हैं किसके अंदर आर बी सीज के अंदर आर के जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आर तो उसके जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ पे आयरन डिपोजिशन हो जाती है यू ना दैट कि जब हमारा हीमोग्लोबिन की सेंथिसिज हो रही होती है वी हैव द हीम ग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन होगी तो उसमें से क्या निकलेगा दो चीज़ें निकलती हैं हीम और ग्लोबिन ठीक है जो ग्लोबिन होती है उसकी बात करें अगर हम तो ग्लोबिन जो है ये आपकी जो अल्फा ग्लोबेंस हैं और बीटा ग्लोबिन्स हैं मतलब उनकी है और अगर उसकी डिजीज़ हो जाए तो उसको हम थैलेसीमिया कहते हैं अब हीम जो होती है ये फर्दर दो आगे से होती है एक आयरन होती है और एक पोरफायरिन होती है पोरफायरिन की अगर हम बात करें तो वो हमारा इसमें नहीं है लेकिन जो आयरन होता है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए सो वी हैव द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और अगर हम पुर्फ की बात करें ना तो आपको पता है कि जो हीम की सेंथसिस हो रही होती है तो उसमें हमारा आयरन जो है वो हीम के अंदर इनकॉपोरेट होता है ठीक है मतलब कि पूरी हीमोग्लोबिन की जब सेंथसिस हो रही होती है बायो में हमने उसकी सारी देखी थी कि आर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन की जो है वो इनकॉपोरेशन uh, होती है हीम के अंदर अगर वो आयरन जो है वो हमारा हीम के अंदर प्रॉपर्ली इंकॉपरेट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा आयरन मेटाबॉलिज्म की खराबी की वजह से आयरन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी आर के अंदर सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि आर बी सी आयरन मेटाबोलिज़म जो होता है वो ख़राब हो जाता है एबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है आयरन डिपोज़िट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे आर बी के मेटाकॉन् के अंदर आयरन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फंसा रहता है आरबीसीज के अंदर ही वहाँ से वो सीरम के अंदर नहीं जाता वहाँ से वो रिलीज़ नहीं हो सकता कोई उसको पकड़ के रखता है ट्रैप करके रखता है दिस इज़ द मेन थिंग एयर कि आयरन हमारी बॉडी में आ रहा है हम खा रहे हैं नॉर्मली एब्जॉर्ब भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है एक्सक्रीट भी हो रहा है लेकिन वो एक्सक्रीशन मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म में ख़राबी आ गई है जो उसने आर के अंदर जो है इनकोपरेट होना था उसके मेटाबॉलिज्म में ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आयरन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है सो so, ये मेन चीज़ होती है सिड्रोप्लास्टिक अनीमिया की तो इसको भी आपने अप से ही कवर करना है और वहाँ से आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है आफ्टर वी विल डिस्कस दिस टॉपिक उसके बाद ठीक है तो अब सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया की दिख, देखते हैं इस तरह से आर बी सी है देखें और रिंग सिड्रोब्लास्ट जो हैं वो हमें मिलते हैं दैट्स वाई दिस डिजीज़ इज़ नाउन एज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो गया सो ये बात हमने कवर कर ली अब बात बातें आते हैं कि हेरीडरी भी हो सकता है एकवायर्ड भी हो सकता है क्यों ऐसा हो जाता है सिड्रोप्लास्टिक जो है नीमिया और क्यों आयरन का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है तो उसकी एक तो हेरिडिटरी कॉज भी है और दूसरी एक्वायर्ड कॉज भी है वी आर कंसर्न विद एक्वायर्ड काजेस लाइक कोई ड्रग्स हैं ठीक है ड्रग्स में कौन कौन सी आ जाती हैं क्लोरम फैनिकोल ठीक है इसके अलावा एल्कोहल मोस्ट कॉमन कॉज जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का है दैट इज़ एल्कोहल ठीक है मोस्ट कॉमन कॉज याद रखना है इसके अलावा लेड पॉइजनिंग ये इसका कॉज हो गया इसके अलावा क्या है कोई भी न्यो डिसऑर्डर लाइक माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स माइलो सिंड्रोम एमडीएस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है वैसे तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया यू नो दैट दिस इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू माइक्रोसिटिक हाइपोक्रेमिया क्रोमिक अनीमिया क्लासिफिकेशन you know लेकिन जो माइलोडिस है उसमें आपको माइक्रोसाइटिक अनीमिया मिलता है दिस इज द डिफरेंस तो ये मेन चीज आ जाती है एक्वायर्ड कॉजिज में कि वी हैव द ड्रग्स लाइक क्लोरम फेनिकोल आइजोनियाजट ठीक है आइजोनियाजिड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वो आपने याद रखना है एंड यू नो दैट आइजोनियाजड जो होता है ये क्या करता है वाइटामिन बी सिक्स जो है उसकी डेफिशिएंसी करवा देता है ठीक है तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वाइटामिन बी सिक्स भी देते हैं उस वजह से अल्कोहल है मोस्ट कॉमन कॉज है लेड पॉइजनिंग है और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं तो ये हमारा जो है ना मेन इसके कॉजेज़ हैं फिर आप बात करते हैं कि हमें बोन मैरो की हमने डायग्नोसिस करना है सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया का तो हमें बोन मैरो के अंदर क्या मिलेगा अभी हमने बात की रिंग सिड्रोब्लास्ट्स हमें मिलेंगे बोन मैरो के अंदर जो अभी हमने पिक्चर की फॉर्म में भी देखा है कि आयरन डिपोजिशन मिलेगी रिंग की फॉर्म में रिंग सीड्रोब्लास्ट्स होंगे ठीक है फिर अगर हम बात करें सीरम आयरन की तो मैंने कहा कि जो हमारे आयरन है वो हमारे आर बी के माइटोकांड्रिया के अंदर ट्रैप हो गया हुआ है फंस गया हुआ है तो अब सीरम के अंदर मीन्स प्लाज्मा के अंदर ब्लड के अंदर जाएगा आर बी सी के अंदर ट्रैप्ड है तो सीरम आयरन नहीं होगा कम हो जाएगा ना ठीक है सीरम फेरेटिन मतलब स्टोर्ड फॉर्म में आयरन क्या होगा मतलब आयरन जो है वो ट्रैप हुआ हुआ है स्टोर्ड है ठीक है तो सीरम फेरेटिन क्या हो जाएगा इंक्रीज ठीक है आयरन ट्रैप्ड है स्टोर्ड फॉर्म में है लेकिन सीरम में नहीं है अवेलेबल नहीं है ठीक है तो टी क्या हो जाएगी इसमें एलिवेटेड हो जाएगी टीआईबीसी अगर सेचुरेशन की बात करें तो वो हमारी जो है एलिवेटेड हो जाएगी नॉर्मल भी हो सकती है एलिवेटेड भी क्यों क्योंकि आयरन ट्रैप्ड है सीरम में नहीं आ रहा ठीक है ट्रांसफेरन के साथ भी बाइंड है फेरेटिन के साथ भी बाइंड है लेकिन सीरम में नहीं है तो दैट्स वाई सीरम फेरेटिन भी ज़्यादा होगा टी भी ज़्यादा भी हो सकती है नॉर्मल भी हो सकती है और इसके अलावा जो टी आई बी सी सेचुरेशन होगी वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी टी आई बी सी इसमें जो है वो नॉर्मल होती है मोस्टली लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें आपको एलिवेटेड भी मिल सकती है ठीक हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का अभी हमने कॉजेज़ देखे हैं ड्रग्स हैं और अल्कोहल है विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी ड्यू टू आइसोनियाज़िड है तो हमें ट्रीट क्या करना चाहिए कॉज़ को ट्रीट करना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ द ट्रीट द कॉज ठीक है और अगर एनीमिया की वजह से आपको ट्रांसफ्यूंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप ट्रांसफ्यूएंस दोगे और अगर आपने आइजोन की वजह से देखा कि विटामिन बी सिक्स की डिफिशेंसी हो रही थी तो आप क्या दे दोगे पेशेंट को वाइटामिन बी सिक्स इन द फॉर्म ऑफ पारेडोक्सिन ठीक है सो so ट्रीटमेंट में तीन चीज़ें क्या है? सबसे पहले कॉज को ट्रीट करना है फिर आपने क्या करना है ट्रांसफ्यूंस की अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो वो दे देनी है और अगर विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी है तो वो उसको पूरा कर देना है पैरिडॉक्सिन दे देनी है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिक अनीमिया नेक्स्ट हमने बात करनी है अनिमिया ऑफ क्रॉनिक डिज़ीज़ इसको भी आपने कहाँ से कवर करना है स्टेपअप से वहीं वहीं से हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले आ जाता है अनिमिया ऑफ क्रॉनिक डिज़ीज़ में कि होता क्या है क्रॉनिक डिज़ीज़ के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से अनिमिया और है अब कैसे एक क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से अनिमिया और है तो वो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन से क्रॉनिक इन्फेक्शनस हो सकते हैं बॉडी में टी और क्या हो सकता है कोई भी हमारे जो है टीबी हो गया इसके अलावा वी हैव द ऑटो इम्यून भी हमारे जो हैं वो थोड़े से क्रॉनिक चलते हैं तो उसमें वी हैव द एस एल ई ठीक है इसके अलावा क्या है कि क्रॉनिक में कोई भी कैंसर है वो भी एक क्रॉनिक होता है ना लाइक like हॉचकिन है इसके अलावा लंग कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है मतलब कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं इसके अलावा ऑटो इम्यून की अगर हम एसएलई के अलावा बात करें ड्यूपट्राइटस है ट्रामा की वजह से भी सो दीज़ आर द काजिज़ क्रॉनिकली कोई भी बॉडी में डिजीज़ चल रही थी उसकी वजह से अनिमिया हो गया अब हमने ये पता लगाना है कि क्रॉनिक डिज़ीज़ की वजह से अनिमिया क्यों हो गया आपको पता है जब भी कोई हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है तो साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं अब ये साइटोकाइंस क्या करते हैं कि ये हमारी वो जो आर की सेंथिस हो रही होती है ना एडिथ्रोपाइसिस होती है वो बोन मैरो में ख़राब करवा देते हैं जिसकी वजह से क्या होगा अनिमिया होगा साइटोकाइंस इफ़ेक्ट द अरीथ्रोपाइसिस इनहेबिट्स द एथ्रोपाइस इसके अलावा क्या था एक हमने बात की थी कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं जब वो इन्फ्लामेशन में रिलीज हो रहे होते हैं तो वो आयरन को अपने पास ट्रैप कर लेते हैं ये बैक्टीरिया था ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है अटैक कर रहा था हमारी बॉडी को और हमारे मैक्रोफेजेस ने कहा कि मैंने तो तुम्हें आयरन नहीं देना बैक्टीरिया को अपने पास ट्रैप करके रखना है अब सोचे सोचने वाली बात है कि मैक्रोफेजेस ने आयरन को पकड़ लिया हुआ सारा तो हमारी बॉडी को आयरन कैसे मिलेगा आर को आयरन कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा सो दिस इज़ द मेन कॉज एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में एक तो साइटोकाइंस की वजह से इन्फ्लमेटरी साइटोकाइंस की वजह से रिथ्रोपॉइस रुक गई हुई है दूसरा माइक्रोफेज़स ने जो है आर के अंदर सॉरी माइक्रोफेज़स ने जो है आयरन को ट्रैप कर लिया है और आर के पास आयरन नहीं है बनाने के लिए हीमोग्लोबिन दैट्स वाई देर इज एनीमिया इन द क्रॉनिक डिजीज़ इसके अलावा ये सारे ना इन्होंने सोचे हुए हैं कि ये ये कॉज हो सकता है और ये हो रहा है लेकिन अब वो कहते हैं जो हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लोग होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी फेलियर हो गया किसी का तो किडनी कौन सी हार्मोन बना रही होती है रिथ्रोपोइसिस के लिए रिथ्रोपोइटिन ठीक है तो जब क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी तो रिथ्रोपोइटिन नहीं होगा बॉडी में जब रिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो क्या होगा आरबीसी की सेंथसिस नहीं होगी अगेन अनीमिया इसके अलावा हमने बात की थी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में कि हेप्सिडेंट जो होता है इट इज़ ऑलवेज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन ऑब्जॉर्प्शन हेप्सिडिन ज़्यादा होगा आयरन ऑब्जॉर्प्शन कम होगी तो अनिमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में हेप्सिडिन क्या होना चाहिए जिसमें आयरन कम है हेप्सिडिन ज़्यादा होना चाहिए सो देयर इज़ इंक्रीज हेप्सिडिन जो हमें इसमें मिलता है ये बात आ जाती है हमारी अभी तक की नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लेब फाइंडिंग्स की सो लेब फाइंडिंग्स में सबसे पहले भी है दीरम आयरन अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिज़ीज़ में हमने देखा कि सारा तो आयरन हमारे माक्रोफिज ने पकड़ा हुआ है और स्टोर्ड फॉर्म में आयरन ज़्यादा है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल फेरेटिन के पास आयरन पड़ा हुआ है मैक्रोफिजस के पास आयरन पड़ा है तो सीरम के अंदर आयरन क्या होगा कम हो जाएगा ना क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म में ट्रैप्ड फॉर्म में आयरन ज़्यादा है तो सीरम आयरन कम हो जाएगा और सीरम फैरेटिन की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि स्टोर्ड फॉर्म में आयरन ज़्यादा है सिंपल सी बात है और अगर टीआईबीसी की बात करें तो वो क्या होगा टीआईबीसी आई यहाँ पर याद रखना है लो होती है ठीक है दिस इज़ एक्चुअली द थिंग कि टी आई बी सी यहाँ पर आपको लो मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि वो हमारे आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन ने भी पकड़ा होता है ठीक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फोर मॉलिक्यूल्स है ट्रांसफेरिन के अब तीन जो है वो आयरन जो ट्रांसफारेंट के साथ बाइंड है तो चौथा वाला ए की फारिग है तो टी आई बी सी लो होगी तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा था टी आई बी सी एलिवेटेड थी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्या है टी आई बी सी लो है आयरन डेफिशिएंसी में अब टी आई बी सी क्या थी उसमें भी एलिवेटेड थी ठीक है क्योंकि आयरन तो है ही नहीं था उसमें बिल्कुल भी नहीं था तो यहाँ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और उसमें फ़र्क पता चल गया अब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में लो सीरम आयरन है लेकिन टीआईबीसी तो ज़्यादा है सॉरी लो है जो कि आयरन डेफिशिएंसी में ज़्यादा थी और यहाँ पर फेरेटिन जो है वो सीरम फेरेटिन ज़्यादा है और आयरन डफिशेंसी में वो भी कम था ये मेजर डिफ्रेंसेस आ जा जाते हैं फिर हम बात करते पेरीफ्रल ब्रड्समेयर की तो वो क्या मिलना चाहिए वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मिलना चाहिए ना जस्ट लाइक आयरन डेफिशेंसी लेकिन ये बात याद रखनी है कि शुरू में जो हमारा होता है ना एम सी वो एम सी बी शुरू शुरू में जब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के स्टार्ट में एम सी बी नॉर्मल होता है लेकिन बाद में जो है वो माइक्रोसिटिक की तरफ जाता है मतलब कम हो जाता है ठीक हो गया ये हमारी होगी लैब फाइंडिंग्स मीन्स के इसमें आपको ना नॉर्मोसिटिक भी मिल सकता है माइक्रोसिटिक भी मिल सकता है दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिज़ीज़ का कि जो कॉज़ है जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है लाइक बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन अरसे से चल रही है टीबी है उसको ट्रीट करो लंग एप्सिस है उसको ट्रीट करो कैंसर है उसको ट्रीट करो इन्फ्लामेशन रिमेटाथ्राइटिस है उसको ट्रीट करो ट्रॉमा है उसको ट्रीट करो एस है उसको ट्रीट करो तो अनिमिया हुई ही ठीक हो जाएगा और इसके लिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अब इन लोगों को आपको आयरन देने की ज़रूरत है यानी क्रॉनिक डिज़ीज़ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे तो आयरन की डेफिशिएंसी है ही नहीं सीरम आयरन कम है लेकिन आयरन है बॉडी में तो सो देयर इज नो नीड मसला जो है वो क्रॉनिक डिज़ीज़ का है उसको ट्रीट करो खुद ही ठीक हो जाएगा जितना मर्जा मर्जी आप आयरन देते रहो माइक्रोमाइ्रोफी ने फिर पकड़ के अपने पास ही रख लेना है बॉडी को फिर भी नहीं मिलना सो दिस इज़ थिंग हेयर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ई प्लास्टिक एनीमिया. ए प्लास्टिक में क्या होता है कि जो बोन मैरो होती है वो फेल हो जाती है हो क्या रहा था कि दिस वॉज़ आर बोन मैरो एंड मेकिंग आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज लेट ट्स लेकिन हुआ क्या कि एकदम से कोई कॉज आया जिसने हमारी बोन मैरो को ख़राब कर दिया कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई कॉज नहीं होता ईडियोपैथिक होता है कहते हैं कि ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है उसकी वजह से हो जाता है लाइक तो ऑटो इम्यून लाइक एस एल ई के लोग होते हैं या वी हैव द डिफरेंट ऑटो इम्यून रिएक्शंस वो हमारी बोन मैडो को अटैक करते हैं ये इसके अलावा क्या होता है रेडिएशन कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है कॉजेज़ ऑफ ए प्लास्टिक अनीमिया तो इस पर आपने फोकस करना है इसके लिए हम जो है वो अलहदा से डेविडसन के टेबल भी देखेंगे जहाँ से आप यू क्यू अटेंड करोगे लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि रेडिएशन की वजह से कीमोथेरेपी की वजह से कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है क्लोरम फैनिकोल फिफ्टीन फिफ्टी परसेंट केसेज़ में जो ए प्लास्टिक अनीमिया होता है उसका कॉज क्या है क्लोरोम पेनिकॉल फिर इसके अलावा कोई वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शंस एच आई वी एपसेंट बार वायरस साइटोमैगलो वायरस हेपाटाइटस बी सी इसके अलावा कुछ केमिकल एक्सपोजर्स हैं लाइक like, टोलिन है डी टी टी है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ये सब क्या करेंगे ये प्लास्टिक निमिया कॉज करेंगे किस तरह से ये हमारी बोन मैरो का फेलियर करवा देंगे अब सोचें कि इन कॉसि की वजह से बोन मैरो ख़राब हो गई है फेल हो गई है तो ये जो आर हैं ये नहीं बनेंगे डब्ल्यू नहीं बनेंगे प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होंगे आर नहीं बनेंगे तो क्या होगा अनिमिया हो जाएगा बॉडी में तो पेशेंट आपके पास किस तरह से आएगा कौन से क्लिनिकल फ़ीचर्स के साथ आएगा आर की नहीं है एनीमिया हो गया है थका थका सा होगा फटीकड होगा और वो जो हमने सारे नॉन स्पेसिफ़िक साइंस एंड सिम्टम्स देखे थे नानी में के स्टार्ट में वो आएंगे पैलर होगा डिजनिक होगा सांस नहीं ले रही होगी वो आ, सांस नहीं ले रहा होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसको फिर इसके अलावा अगर डब्ल्यू नहीं बन रहे तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे पेशेंट को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रोपीनिया की वजह से तो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे होंगे क्योंकि तो उसके पास न्यूट्रोफिल्स नहीं है अटैक करने के लिए प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी बंदे में लाइक like, लाइक like, uh, उसकी बॉडी पे छोटे छोटे वो माइक्रोवेस्कुलर ब्लीडिंग के स्पॉट्स होंगे पिटेकिए होंगे इस तरह से ठीक हो गया ये इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के कौन से uh, जो है वो हो रहा है आर कम है न्यूट्रोफिल्स कम है या प्लेटलेट्स कम है इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी जो है स्नैरो की स्टैरो डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से प्लास्टिक एनीमिया का आता है क्वेश्चन और फिर नेक्स्ट में हमने जो है ना इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं ओके ट्वेंटी एट ईयर्स ओल्ड बॉय प्रजेंट्स विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पैलर मीन्स आर कम है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज मीन्स प्लेटलेट्स कम है हिमोग्लोबिन उसका कम है प्लेटलेट्स कम है टी उसका कम है न्यूट्रोफिल्स कम है बोन मैरोज़ हाइपो सेलुलर ये हम इसकी डायग्नोसिस में भी बात करेंगे कि बोन मैरो जो होती है इनमें वो हाइपो सेलुलर मैरो हो जाता है इसका उसमें पता चलता है कि कोई सेल नहीं बन रहा क्यों होता है क्योंकि हमारा जो हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं ना ये आपकी पीड्स में लिखा हुआ है कि हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं प्लूडेपोटेंट वो वो खराब हो जाते हैं अब स्टेम सेल्स नहीं आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स पिलाने थे जब स्टेम सेल्स ही नहीं होंगे तो so, मैरो में क्या होगा सेल्स ही नहीं होंगे हाइपो सेलुलर मैरो में हमें उन्होंने खुद ही बता दिया कि दिस इज़ अ केस ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया नेक्स्ट देखें फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय विद फीवर पेलर फीवर शोज़ कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है ड्यू टू न्यूट्रोपीनिया पेलर है डिजनिक है मीन्स आर की कमी हो गई है लेकिन उसमें कोई हिपैटोसप्लिनोमैली या लिम्फिनोपैथी नहीं है इट मीन्स डैट कि कोई हिमोलिसिस नहीं चल रही बॉडी में जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया हिमोलिसिस मीन्स के आर बी टूट रहे हैं यहाँ पे क्या है आर बी सीज बन ही नहीं रहे उन्होंने टूटना क्या है ठीक है सो दिस इज़ अ मेन थिंग कि ए प्लास्टिक अनीमिया में क्वान्टिटी कम होती है क्वालिटी ऑफ आर बी सीज खराब नहीं है बन ही नहीं, नहीं रहे आर बी सीज सो हिमोलिसिस होगी तो क्लिनों में होगी ना यहाँ पर कोई हिमोलिसिस नहीं है नेक्स्ट हीमोग्लोबिन उसका कम है प्लेटलेट्स कम है ब्लास्ट सेल्स नहीं है प्रीमिच्योर सेल्स नहीं है, मीन्स सेल्स की कमी हो रही है तो दिस इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हमारा क्या होगा ए प्लास्टिक अनीमिया होगा नेक्स्ट पीट्स के पार्ट्स पेपर में भी आया हुआ है ए प्लास्टिक अनीमिया तो उसका सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं अ फोर ईयर ओल्ड अकबर बिकेम पेल विद द ऑफ अ वीक आफ्टर यूजिंग सीरप विथ क्लोरम फेनिकॉल Which was prescribed by the local practitioner. He has multiple petechiae on his body. There is no lymphadenopathy or hepatosplenomegaly. And then told that he aplastic anemia. But you should know why aplastic anemia? Because he was given chloramphenicol, which actually led to the bone marrow failure. Bone marrow failure, due to which there was lack of RBCs, and he developed paler because of that. And also because of the lack of platelets. ही इज़ हैविंग द पिटेक ये ऑन हिज बॉडी तो अब आपने क्या बताना है फाइव पॉजिटिव फैक्टर्स आपने बताने हैं ए प्लास्टिक अनीमिया के सो पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए ये वाला डिवेट्सन का टेबल है यह या आप याद कर लें और यही आप पॉजिटिव फैक्टर्स में लिखोगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ए प्लास्टिक अनीमिया के बारे में थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स वगैरह सनेरियोज नेक्स्ट से हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं और फिर इसके साथ हम मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया देखते हैं